अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाया आरोप, विकास करते तो नहीं पूछना पड़ता राहुल का गोत्र। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का गोत्र चाहे अनचाहे चुनावी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार राहुल गांधी पर गोत्र पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह भी दे रही है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोत्र के मुद्दे पर भाजपा पर जवाबी हमला कर रहे हैं। गहलोत कह रहे हैं कि राजनीति में किस नेता का क्या गोत्र है ये सब मायने नहीं रखता है। बीजेपी अपने शासनकाल में राजस्थान का विकास नहीं कर पाई, इसलिए वह राहुल गांधी के गोत्र को चुनावी मुद्दा बना रही है। गहलोत ने यह भी कहा कि अगर जनता ने भाजपा नेताओं की गोत्र पूछना शुरू किया तो भाजपा परेशान हो जाएगी। भिलवाड़ा के गुलाबपुरा में जनसभा को संबोधित कर रहे गहलोत ने भाजपा पर गंदी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जो भी विकास के कार्य प्रगति पर थे, भाजपा ने सत्ता में आते ही उन सभी कार्यों को रोक दिया था। सभा के दौरान गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गुंडागर्दी कराना चाहते हैं। गहलोत के अनुसार अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रचार करने आए कांग्रेस नेताओं की गिरेबान पर हाथ डालकर उन्हें प्रचार से रोकें। और गहलोत का ये भी कहना है कि ये अमित शाह की जो सरासर गुंडागर्दी है, जिसका जवाब कांग्रेस नहीं बल्कि प्रदेश की जनता आगामी 7 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके उन्हें देगी। गहलोत ने दावा किया राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और इस बार के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। इस चुनावी जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल जुमलों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है। भाजपा के जुमलों का अब जनता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब वापस जुमलों की सरकार राजस्थान में नहीं बन पाएगी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ साथ टूडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें।